सर जी, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और बस इसी के बारे में तो बात करने वाले हैं कि क्या ये जरूरी भी है कि नहीं है। तो देखो, मैं एक बात आपको बताऊं, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में कौन सोचता है? स्पेशली ज्यादातर उन लोगों के दिमाग में आती है ये सब चीजें, ये फिजिकल अट्रैक्शन वाली चीजें, क्योंकि आजकल हम लोग सोशल मीडिया को यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, है ना। तो हमें लड़कों को लड़कियां और लड़कियों को लड़कों वाला जो अट्रैक्शन है ना, बड़ा कॉमन अट्रैक्शन है। तो पहले तो मैं, पता है, इन सब चीजों में पढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, अगर आपको गर्लफ्रेंड चाहिए या बॉयफ्रेंड चाहिए या आप किसी को पसंद करते हो तो उस पसंद का कारण क्या है? पहले तो वो समझना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो पसंद का कारण क्या है? क्या उस पसंद का कारण फिजिकल अट्रैक्शन है या फिर आप फिजिकली उससे अट्रैक्टेड हो या फिजिकली अपने आपको सेटिस्फाई करना चाहते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर आप सिर्फ इस वजह से उससे अट्रैक्टेड हो ना, तो इससे तो उसको तो नुकसान है ही है। मतलब आप जिससे फिजिकली, सिर्फ फिजिकल, अपने फिजिकल अट्रैक्शन को या फिजिकल सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए किसी से अगर आप अट्रैक्टेड हो, तो उस बंदे या बंदी को तो नुकसान है ही है, क्योंकि आप लोग उससे फुल टाइम कमिटमेंट तो नहीं करने वाले कि मैं आपसे शादी करूंगा या ऐसा कुछ होगा। ऐसा तो कुछ होगा नहीं, उसमें सामने वाले बंदे या बंदी को तो नुकसान है ही, आपका भी नुकसान है।